हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, खमागणी सा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी दोपहर के 1:30 बजे में काव्य स्कूल से आ चुकी है, और आज मैंने सुबह से अभी मैं फ़ोन उठा रही, सुबह थोड़ा सा मैंने शूट किया था, बट उसको पता नहीं मैं एडिट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और मैं ना पता है सुबह से एक मतलब सूट सिल रही थी, तो एक पोशाक पूरी सिली है मैंने। अभी रुक जा, और अब कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। काव्य बोल रही कुछ मीठा बना दो खाने के लिए, तो मीठी वाली वो सेवई बोलते ना वो बनाऊंगी। तो अभी बज के शाम के 6:30 बज गए, और पता है आज मैं कुछ इतनी ज़्यादा नींद आई है, बहुत नींद आई मुझे। मैं मतलब 3 बार उठी कि उठना है, लेकिन इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई हुई थी कि वापस सो गई मैं, और ये इन दोनों की लड़ाई चल रही। क्या क्या हुआ? अच्छा मेहंदी नहीं बना रही क्या? दिखा सी, ये क्या किया है तूने? ऐसी मेहंदी बनाते मैम डांटेगी। इसने लगाई जब तू हैंड वॉश करके आ जा, हैंड वॉश करके आ जा, मेहंदी नहीं लगाते, मैम डांटती है ना। ये वाली सेवई बना रही हूँ, ये वो वाली है मतलब मार्केट वाली है, घर पे जो बनाते हैं ना वो वाली नहीं है। तो इसको ना घी में फ्राई करके और बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। हाँ चीनी वाली बना रही हूँ। ये देखो कहाँ बैठी है, हेलो। तो ये दूध की मलाई, और ये दूध मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर अच्छी मलाई आ जाती है ना, फिर इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, और फिर इससे घी निकाल लेते हैं। तो ये अच्छा मतलब घर का घी हो जाता है ना। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, और फिर नीचे लेके चलेंगे, नीचे ही पीऊँगी। फेस वॉश कर रही है कावे ने, अपनी मेहंदी भी धो ली है, दिखाना तेरी मेहंदी। साबुन से नहीं हाथ धोते बेटा, मेहंदी रचती नहीं है फिर। तो यार पता है इस टाइम में इतनी सिलाई आ रखी है, इतनी सिलाई, मेरे रूम की हालत देखो, जहाँ सिलाई करते ना वैसे वहाँ पर ऐसी हालत हो जाती है, और बहुत सिलाई आ रखी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और उस बीच में भी मैं आप सब लोगों के लिए व्लॉग लाने के लिए बीच बीच में ऐसे क्लिप शूट करती हूँ, बीच बीच में उठती हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर प्लीज़ कर देना। तो बस चाय बना लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं मम्मी के पास देना। और मम्मी अभी मेरी ओढ़नी होके, मैंने ओढ़नियाँ दी थी मम्मी को, 7-8 ओढ़नियाँ दी थी। वैसे मुझे आता है गोटा लगाना, मैं लगा लेती हूँ, लेकिन वही अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं जयपुर जाऊँगी और सारी ओढ़नियाँ जयपुर लेके जाऊँगी, तो फिर वही हो जाएगा, वज़न हो जाएगा, लेके जाऊँ और फिर खाली ओढ़नियाँ मतलब गोटा लगाने के लिए लेके जाऊँगी और फिर वापस लेके आऊँगी। तो मम्मी ने बोला कि मैं बैठी रहती हूँ दिन में, टाइम पास भी नहीं होता, तो मैं लगा दूँगी गोटा। तो मम्मी गोटा लगा रहे, और मेरे सूट तो पता नहीं कब सिले जाएंगे। जो लास्ट टाइम मैं जयपुर गई थी ना, मम्मी ने मुझे सूट वगैरह दिए थे, वो मैंने अभी तक नहीं सिले, और पता नहीं कब सिले जाएंगे। आई थिंक मैं शायद जयपुर ही ले जाऊँ सूटों को। सो बना लेते हैं फिर। रिवाइन गुड मॉर्निंग, तो आज है नेक्स्ट डे, और काम वाम सारा हो चुका है, और अब मैं शार लेने जाऊँगी, और फिर मुझे जाना है आज मेरी स्कूल सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही है अभी, तो मैं सिग्नेचर करके आऊँगी। और धूप में जाना बहुत मुश्किल लगता है, वैसे तो आज धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन फिर भी कहना है स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो बहुत जोर आता है जाने में। तो भी 11 बजे जाना है, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग भी अब चेंज हो गया, पहले मैं जाती थी 1:30 बजे, लेकिन अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, 11:30 बजे जाऊँगी मैं स्कूल। बज गए 12, मैं बस शार वगैरह लिया है, और अभी 12 बज गए, और मैं जा रही हूँ स्कूल जा रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं यही ड्रेस पहन के जा रही हूँ, क्योंकि
जस्ट सिग्नेचर करके आने होते हैं मुझे, स्कूल में रुकना नहीं होता, पढ़ाना नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बस सिग्नेचर ही करके आने होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या ड्रेस चेंज करूँगी, खाली सिग्नेचर करके आने के लिए 2 मिनट जाना होता है, तो मैंने सोचा इसी ड्रेस में चल लेते हैं और नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस में जाने से। तो बस अब जाऊँगी स्कूल और अब धूप आ गई है, मौसम सुबह तो बहुत अच्छा हो रखा था तो मैंने सोचा कि फेस वगैरह कवर करके नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, लेकिन अब फेस कवर करके जाना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और बीकानेर की गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो मैं जाती हूँ स्कूल। चाय अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ और मेकअप मेरी कप में है और मम्मी कप में नहीं पीते, तो मम्मी की स्टील के मग में है और अब लेके चलते हैं चाय बना लिया, पचपन जाओ चाय सिलाई कर सकते। टाइम टेबल दिखाओ, मैंने लगाई है। अच्छा मैंने लगाई टाइम टेबल, पेपर का है ना? हाँ। फर्स्ट एग्जाम असेसमेंट फर्स्ट, वो काव्य के एग्जाम है काव्य 8 मई से। मुझे कुछ नहीं होता मम्मा। मम्मा कुछ फ्रूट लेकर आ जा, पर मैं स्कूल में लेके जाने कल जीत कर थी ना आज, आप और कल है ना काव्य रेसिंग में जीत रेसिंग में फर्स्ट जीत गई थी ना, तब मुझे ना फ्रूट्स ला कर दो, आज पापा लेके आएंगे। ठीक है क्या कल लेकर जाना? हाँ तो ठीक है ले जाना ना। शाम के 7:30 बज गए हैं और आज पूरे दिन से लाइट्स नहीं थी तो मैं जो सूट सिल रही थी ना वो पूरा भी नहीं कर पाई, तो 6 बजे मैं बैठी थी और अब बस करके उठी हूँ मैं 7:30 बजे। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हाँ तो इसके शॉर्ट्स वगैरह लेके आने और वेजिटेबल्स भी लानी है। तो इस बार संडे को हम लोग जा नहीं पाए, गए तो थे लेकिन वो क्या है ना कि पूरा मार्केट बंद था इस बार संडे को, तो अभी जा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके आने हैं और कल काव्य की कोई एक्टिविटी भी है तो उसके लिए भी कोई सामान वगैरह लेके आना है, तो अभी बस निकल रहे हैं। आज मम्मी पापा तो गाँव गए हुए हैं तो बस मैं दूध गर्म करके जाऊँगी और अब ये हो ही नहीं रहा, जब वेट कर रहे हैं ना तो दूध गर्म ही नहीं हो रहा, ढक्कन लगा देती हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। आप जाओ फटाफट हाथ में पकड़ के, ये गिर गई, बेहोश हो गई है, लग गई इसको, ये मोटी है मोना जी, गोरी है देख तेरे से, तेरे से ज्यादा गोरी है, पहले तो मुझे लग रही थी। फिर पूछ देखो इससे, आज निकाल के पूछ, चार है इसके पैर।